बात करेंगे यहां से अब सोयाबीन की। तो यूएस सोयाबीन की कीमतों में हमने 1600-1700 के ऊपर के लेवल देखे थे जब इनिशियल डेज में रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ था। 1756 तक प्राइसेस गए थे, 1756 का हाई लगा था $1756 का। उसके बाद फिर कीमतें धीरे धीरे नीचे होती गई, कीमतों में नरमी आई, जैसे ऐसे पी स्टॉक्स हुए, फिर $1600 पर ट्रेड किया। फिर कल के कार्रवाई सत्र में हमने कीमतों को 1500 के लेवल्स पर भी जाते हुए देखा था। एक ही दिन के अंदर $40 से $50 की नरमी बन गई थी, लेकिन आज कीमतों ने फिर से रिवाइव दिया है। फिर से जो कमबैक हुई है कीमतें सोयाबीन की, जिस हिसाब से उस हिसाब से लग रहा है कि अब सोयाबीन समेत जो बाकी के तेल तिलहन है, खासकर कि विदेशों के अंदर, क्योंकि भारत जो है खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं है, विदेशों को फॉलो करता है, और विदेश इस समय विदेशों के अंदर जो तेल तिलहन का जो बाजार है वो क्रूड के प्राइसेस को फॉलो कर रहा है। आज हमने कच्चे तेल में तेजी बनते देखी, तो सोयाबीन का भी जो बाजार है वो भी तेज हो गया। अब कच्चे तेल और तेल तिलहन में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। क्रूड से ईंधन बनता है और ईंधन महंगा है इस समय इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी। अब इसकी बजाय जो कम्युनिटीज से बने हुए ईंधन है उसकी मांग है मार्केट्स के अंदर, और उस पर बायोडीजल फ्यूल पर काम भी किया जा रहा है कई देशों में, भारत में भी किया जा रहा है, एथेनॉल और बायोडीजल फ्यूल अलग अलग। तो जब जब कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इसका सपोर्ट CPO को मिलता है, कच्चे पाम तेल का सपोर्ट रिफाइंड को, रिफाइंड का सपोर्ट सोयाबीन को। ऐसे ऐसे एक सप्लाई चेन बनी हुई है, ऐसे के चेन मैनेजमेंट बना हुआ है। तो जब जब कच्चे तेल में तेजी आती है तो उसका असर भी कहीं ना कहीं खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ता है, ठीक ऐसा ही वाइस वर्सा, कच्चे तेल में जब नरमी आती है तो खाद्य तेलों में भी इसका असर कहीं ना कहीं छुटमुट गिरावट के तौर पर देखने को मिलता है। तो कच्चे तेल की कीमतों को भी फॉलोअप कर रही है विदेशी कीमतें, और भारत में भी यही ट्रेंड फॉलोअप होता नजर आ रहा है। लेकिन फंडामेंटल साइड से सोयाबीन इस बार स्ट्रांग है, मंडियों में भी ठीक ठाक रेट्स देखने को मिल चुके थे, लेकिन किसानों ने अब जो दाम में सुस्ती आई थी विदेशी बाजारों के चलते फिर से स्टॉक करने का बना लिया है और फिर से स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वहीं एक और अपडेट देना चाहेंगे आपको सोयाबीन से जुड़ा हुआ, अमेरिका में 2022-23 के विपणन वर्ष में रिकॉर्ड बुवाई और रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है, जिससे अब ये जो नया ईयर चालू होगा सितंबर अगस्त का अमेरिका में, तो अमेरिका में जब रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहेगा, रिकॉर्ड बुआई रहेगी, रिकॉर्ड उत्पादन रहेगा, तो उससे अमेरिका ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, ज़्यादा सप्लाई रह पाएगी। तो जो सोयाबीन की जो टाइट सप्लाई है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और एक और अपडेट देना है ऑयल सीड से जुड़ा हुआ, ये ऑयल सीड्स यानी तेल तिलहन में इतनी तेज़ी देखने को मिली है बाकी फसलों के मुकाबले, अब ऐसे में हर कोई चाहेगा कि ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो हो सकता है अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तेल तिलहन की जो बुवाई है साल 2022-23 में वो साल 2021-22 के मुकाबले और ज़्यादा रिकॉर्ड देखने को मिले, क्योंकि बाकी फसलों में इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली, बाकी कमोडिटीज़ में इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली है जितनी ऑयल पैक में देखने को मिली है, एडिबल ऑयल पैक में। तो ऑयल सीड्स का जो रकबा है बढ़ सकता है इस बार, अमेरिका में तो बढ़ने का अनुमान दे दिया गया है, भारत में भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।